ladies and gentlemen, the one and only Mr. Azad Chaiwala. अच्छा, I was thinking आपके साथ अपना दिन का जो experience है ना, वो share करूँगा. And we're going to begin with कि आज हमने एक concept push किया है T-shirts का. किसी ने मुझे आज देखा T-shirt पहनते हुए एक सफेद सी? Yes. Have you seen some other children wearing it? जो जिन्होंने नो बोले, नो प्रॉब्लम. इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्फ्रेंसेस में ये होगा. यू गोना सी इट, इट्स गोना बी अ लॉट मोर कॉमन. द थॉट बिहाइंड इट वाज कि जब मैं यहां पे आया, अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ पीपल नो मी बिकॉज पिछले 8 साल 7 साल पे आई बीन वर्किंग ऑन ब्रांडिंग माई सेल्फ. लेकिन आपको कोई नहीं जानता. सो इफ आई वॉज हियर टू गेट अ जॉब, इफ आई वॉज हियर टू रिक्रूट, इफ आई वॉज हियर टू गेट इन्वेस्टमेंट, मुझे मिल जाती. लेकिन आपको अक्सर फायदा नहीं होता. इतनी सोनी कॉन्फ्रेंस अर्जेश ने खड़ी की है, इतने ज्यादा कीमती बंदे इकट्ठे किए हैं और उसका फायदा ना हो, इट्स अ टोटल वेस्ट एंड वी कांट अफोर्ड दैट. तो मैंने क्या कहा, एंड यू हैव टू डू दिस इन एवरी फ्यूचर जो आपकी वो कॉन्फ्रेंस जिसको आप अटेंड करने जाओगे. आप एग्जाम्पल हो, है ना? समबडी इज लुकिंग फॉर यू बाय द वे. ठीक है. अच्छा, तो मैंने, अर्जिश भी साथ था, मैंने कहा शर्ट्स लाते हैं. अर्जिश का आइडिया आया कि प्रिंट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन एक पेन से उसके ऊपर लिख देते हैं कि मैं अगर यहां पे आया हूं ना तो हु एम आई, मैं यहां पे क्या ढूंढने आया हूं, किन से मिलने के लिए आया हूं. एंड फिर उसके नीचे हम अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख देते हैं. आपको एक मिसाल देता हूं. एक बच्चा आया, उसने लिखा SEO एक्सपर्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, 1 लाख रुपीज मिनिमम सैलरी मुझे चाहिए, ओकारा से हूं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है. मुझे बताएं कितना अर्सा लगा टू फाइंड अ जॉब. अब उसने शर्ट पहन ली, कितना वक्त लगा होगा टू फाइंड अ जॉब? Less than 5 minutes. अभी वो लिख रहा था तो एक बाजी का गुजर हुआ, उन्होंने कहा तुझे तो मैं हायर कर लेती हूं. एंड देन इट टुक नो मोर देन से 10 मिनट्स, वो घूम के आया मुझे बताने के लिए, आजाद भाई 3 ऑफर्स हो चुकी हैं. यस, अगर हमने इंपैक्ट अपनी लाइफ पे कुछ करना है ना तो वी हैव टू हेल्प आवर सेल्व. लॉट ऑफ यू माशाल्लाह बड़े डैपर लग रहे थे, बड़े सोने लग रहे थे, यू हैड सूट्स ऑन, बट उसका कोई फायदा कोई नहीं. वो एक भाईजान है, इंटरव्यूज करते हैं, आई थिंक यहां पे 2-3 दिन तो फिरे ना आप, कोई खास फायदा नहीं हुआ. ही बाइज अ शर्ट, 500 रुपए इसने अपने पे इन्वेस्ट किए, वो शर्ट फॉर इसकी है फॉर लाइफ. उसके ऊपर इसने लिखा आरजे अहमद, साथ लिखा जी आई विल इंटरव्यू यू, और उसको अचानक मैं मिल गया. अब राब्ता हो गया ना, अब मुझे पता ही है क्या करता है, इसने जाके मुझे इंटरव्यू कर लिया, ऊपर गया इसको एक क्लाइंट मिल गया. तो दिस इज द इंस्टेंट इंपैक्ट यू विल गेट. फिर मैं नमाज पढ़ के आता हूं या ऊपर से आता हूं, जैसे ही वापस आता हूं तो वहां पे एक बच्चा छोटा, उसने शर्ट पहनी हुई, उसने शर्ट पहनी हुई और वो क्या बेचता है, शेड्स. ये शेड्स नहीं होते जिस तरह ये हॉल था, वो शेड्स बेचता है अपने अब्बू के साथ आया हुआ था. तो गेस हु वांट्स द शेड इस ऑफिस, यानी इस हॉल में किसको शेड चाहिए राइट नाउ? मुझे 9,000 स्क्वायर फुट का शेड चाहिए. तो मैं उनका क्लाइंट बन गया. So that's the impact you can have अगर आप शर्ट पहन के आएंगे. Do you understand? तो next time you come here, अल्लाह आपको सोने से सोना रखे, but थोड़ा सा चल्ला लगना, wear a shirt and branding मत करिएगा. Do not mention your company's name. उस पर लिखिएगा मैं social media marketer हूं, मैं digital media marketer हूं, मैं agency run करता हूं, मैं यहां पर hiring के लिए आया हूं, I'm hiring digital marketers. देखना आपका ऑफिस बढ़ जाएगा. इफ यू लुकिंग फॉर वर्क, इफ यू गेट यू नो लुकिंग फॉर लाइक माइंडेड पीपल, तब आपको मिलेंगे. आपकी ये फ्यूचर सेशंस इंशाल्लाह सुपर प्रोडक्टिव होंगे. ये था पहला जो एक्सपीरियंस जो आज मैंने किया. दूसरा था, एंड मैं थोड़ी शर्म भी आती है बट आई हैव टू एडमिट इट, 99.9% जो आप मुझसे मिलते हो ना, आई डोंट रिमेंबर यू. आप घंटा पहले भी क्यों ना मिले हूं, आपने मुझे पूरी अपनी लाइफ स्टोरी क्यों ना बताई हो. सॉरी, मैं तो हजारों लोगों से मिलता हूं.
टोटल मुझे अगर कोई बंदे याद रहते हैं ना तो 10, और वो 10 पते कौन से होते हैं? कीमती लोग, अल्लाह वाला भाईजान, ठीक है? अब आरजे वो रहेगा याद, आप रहोगे कीमती हो। लुक, मैंने क्या कहा था शुरू में, 7-8 years ago आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। एवरी नीश कैन हैव अ ब्रांड, ब्रांडेड बंदा उसके अंदर। आप बी कीपिंग भी करते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तान में बी कीपिंग का एक्सपर्ट कौन है? कोई नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेंशंस का वो नंबर वन इन्फ्लुएंसर कौन है? कोई नहीं है। पाकिस्तान में रोबोटिक्स में नंबर वन बंदा कौन है? कोई नहीं है। सो देयर आर सो मेनी नीशेस जिसके अंदर आप नंबर वन बन सकते हैं, और नंबर वन जरूरी नहीं है, यू कैन बी नंबर टू, नंबर थ्री, यू कैन बी को नंबर वन टू थ्री, ठीक है? सो व्हाट आर यू गोना डू इन 2023? ब्रांड योरसेल्फ। यस सर। ब्रांड किस तरह करते हैं अपने आप को? वीडियोज के जरिए, ठीक है? वीडियोज व्हाट द एवर द हेल यू डूइंग, व्लॉगिंग तो सबको शौक है, व्लॉग अलोंग विद जो आप कर रहे हो। आज मेरा ये क्लाइंट है, आज मैंने इसकी ये कैंपेन की, आज मैंने फलां किया एक्सेट्रा, ताकि आप उस नीश में अथॉरिटी बन जाओ। यस, ठीक। तीसरी चीज, मुझे ना आज एक सवाल पूछा गया था कि आजाद भाई आप रेस्ट कब करेंगे, आप थकते नहीं हैं? आई वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन मैंने देखा यार क्राउड भरा है ना, आई एम पम्प्ड अप अगेन। मैं थकूंगा या मैं रेस्ट तब करूंगा जब एवरी पॉलिटिशियन, एवरी माँ बाप, एवरी मौलवी, एवरी बड़ा, एवरी वन ऑफ यू, आपका नैरेटिव एक ही होगा जो मैं जिस पे बात करता हूँ, ठीक है? कि आप लोग, लोगों को कीमती होना है। आई वॉन्ट टू सी अ नेशन जिसमें डेफिसिट के बजाय हर बार सरप्लस हो, तब मैं जाके रेस्ट करूंगा। आई वॉन्ट दिस टू बिकम अ नॉर्मल थिंग। हमारे कमबख्त पॉलिटिशियंस, उनका और कोई एजेंडा नहीं है एक्सेप्ट नवाज ने ये कर दिया, खान ने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। तो एक उनसे एक चीज सीख लो, आपको भी अपनी पड़ी होनी चाहिए। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को कीमती बनाओ। मैंने हजार बार बोला, कोई खान, कोई शरीफ, कोई भुट्टो इज नॉट गोना कम एंड सेव यू, कोई नहीं बचाने आ रहा, आपको खुद को बचाना है, समझ गए? दैट्स व्हेन आई विल रेस्ट। एंड लास्टली, आपने भी जनाब आजम साहब, आपके जो दोस्त हैं, आपने इनका भी थैंक यू किया था हम एक अर्जिश जमने के लिए, ठीक है? एंड अर्जिश है किधर? इज ही हियर? चलो गए बाना, उसको थैंक यू बोल देते हैं। इधर हमारा ब्रा, इधर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अर्जिश को मैं हमेशा चाहता हूँ इसका कभी हार्ट ब्रेक ना हो कि यार क्वांटिटी ऑफ बंदे कम आए हैं, या इसको ज्यादा जेब से देना पड़ गया, या कुछ और गड़बड़ हो जाए। द बिगेस्ट थिंग दैट अर्जिश डिड दिस टाइम राउंड, और हर साल ना लाइक यू ब्लो अस अवे सीरियसली, जितनी आप ग्रोथ डाल रहे हो, ठीक है? इस साल माशाल्लाह, इस साल द बिगेस्ट थिंग ही डिड वाज दैट डेलीगेशन, उसको यहां पे लाना। That delegation इंशाल्लाह 3000 बच्चे employ करेगा इस साल, इस साल भी नहीं, चंद महीनों में वो 3000 बच्चे पाकिस्तान में बैठ के सऊदी रियाल कमाएंगे। They are going to be the best paid people in Pakistan इंशाल्लाह, क्योंकि सऊदियों के लिए तो सस्ता है ना। तो thank you for him bringing those people, और इंशाल्लाह अगर इस बार ये 3000 बंदे, do not let them down, आप लोग उनको पैसा कमा के दो, अगले साल 30,000 बंदे वो हायर करेंगे इंशाल्लाह। ऑल क्रेडिट गोज टू यू, 30,000 घरों का चूल्हा जलेगा इस शहजादे की वजह से। थैंक यू, दैट्स इट, आई एम डन। इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी के तुम भी आजाद हो जाओ।